हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह की बजली है 10 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज है संडे का दिन। तो संडे को मतलब सोचते हैं कि जल्दी उठेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा लेट उठी थी। और बस अभी जस्ट नहा के झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई करके और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैंने ये मिक्स आटा है वो तो मैं नहा धो के रेडी हो गई, और वो मैंने आटा एकदम लगा के रखा है। उसमें 3-4 तरह का आटा है और जिसकी मैं रोटी अब बनाने वाली हूँ, और साथ में है सब्जी। तो वो ये सब्जी रात की बची हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब्जी रात की बची हुई थी तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो रात की सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन फ्रिज इसीलिए होता है कि उसको फ्रिज में रखें और दूसरे दिन यूज़ करें। तो सब्जी मैं यूज़ कर लूँगी और उसके साथ रोटी मैं बना लूँगी। थोड़ी सी दही भी हम ले लेंगे नाश्ते में। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मतलब 2-3 दिन बंद रही बारिश, अभी आज स्टार्ट हो गई है सुबह। तो आज संडे का दिन भी है तो चलो सही है, आज बारिश हो गई, वरना बच्चों का आना जाना ये सब बारिश में थोड़ा दिक्कत होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर स्टैंड लगाया है। ये देखिए, एक्चुअली ये स्टैंड अंदर था तो मैंने अभी किचन में लगा दिया, क्योंकि अंदर भी इसका यूज़ नहीं हो रहा था। देखिए दोस्तों, इस पर मैंने दूध था और सुबह में थोड़ा दूध बचा हुआ था और दूध की मैंने चाय बना ली थी, और इसमें दूध था तो इसी में मैंने बड़ी थाली में आटा छान के और इसमें डाल दिया और इसमें आटा गूंथ दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि अगर दूध का बर्तन है बचा हुआ उसमें थोड़ा बहुत, तो उसमें आप आटा भी गूंथ सकते हैं। और यहाँ पर मेरी रोटी बनकर तैयार हो रही है, मिक्स आटे की रोटी। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरी रोटी तैयार हो रही है, मिक्स आटे की बन के तैयार हो रही है। पर अभी वो बेडशीट वगैरह सही कर रहे हैं। और अभी सुबह क्या होता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ कि जो अपने ब्लैंकेट वगैरह होते हैं वो अपना अच्छे से फोल्ड कर लो। तो अभी कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। तो 2-3 ब्लैंकेट पड़ रहे थे तो वो फोल्ड कर दिए, और बेडशीट भी बहुत परफेक्ट नहीं बिछाई है। मैं आपको दिखाती हूँ बेडशीट उसमें कैसे बिछाई है। ये देखो, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बिछाई है, जितना उससे हो पाया उतना उसने बिछाया। और ब्लैंकेट उसने फोल्ड किए हैं, तो ये देखो, एक ब्लैंकेट ये फोल्ड किया उसने और एक ये फोल्ड किया है। देखो, ये देखिए, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन हमें ही उनको सिखाना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत उनको हमें सिखाना पड़ता है। क्योंकि हम सोचते हैं, वैसे भी लड़के कम काम करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे, लेकिन कर कब लेंगे वो हमें सिखाना पड़ता है। तो बच्चों को धीरे धीरे ये सब सिखाना चाहिए, और सभी लेडीज़ मैं जानती हूँ कि सिखाती भी होंगी। तो ये दोनों उसने फोल्ड किए और आज बेडशीट बिछाई, ये सब किया। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं इनको दे देती हूँ। और संडे के दिन ये बोलते हैं कि कुछ खाना है, तो अभी मैं सिंपल सी रोटी सब्जी बना, तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलते हैं। संडे है तो ये देखो, इसके संडे है तो ये मोबाइल पे लगे हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है और ऐसे में कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो ब्लॉग में बाहर का व्यू या कहीं घूमना जाना ये सब नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज घर का ही कुछ ब्लॉग बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कंटिन्यू तेज़ हो रही है, और काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया होगा बारिश को लगे हुए। तो बस अब नाश्ता करेंगे, और अभी तो आज संडे है तो बच्चे भी घर पे हैं, तो सोच रही थी कि सामान लेने जाऊंगी, लेकिन सामान लेने जाना पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं, थोड़ी देर में अगर बारिश वगैरह बंद होती है तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। तब तक बने रहिए आप मेरी ब्लॉग में। तो वही है, अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं और मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, बाहर दिखाती हूँ कितनी बारिश हुई बाहर। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और जगह जगह मतलब पानी भर रहा है। देखिए, पानी भी भर चुका है। देखिए,
तो फ्रेंड्स थोड़ा बारिश रुक गई थी तो हमने सोचा चलो थोड़ा ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑफिस अभी अभी ओपन हुआ है। तो बस उसी को देखने में पहली बार जा रही थी, क्योंकि अभी वो सेटअप हुआ अच्छे से, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज वहाँ पर। वहाँ पर हमने जो हेल्थ डिवाइस है कैंगन मशीन, उसका ऑफिस हमने ओपन किया है। और ये देखिए मैं अभी आ चुकी हूँ ऑफिस में, और ये सारा सेटअप देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे से सेटअप किया है इन्होंने। और ये जस्ट जो कसक सर्कल है उसके अपोजिट में है। अगर आपको हेल्थ से कोई भी इशू है या आप इस मशीन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार हमारे ऑफिस में आएं और देखें किस तरह से है। और अगर आप हेल्थ इश्यू, कोई भी इश्यू या कोई स्किन प्रॉब्लम है या कोई भी ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य कोई ऐसी बीमारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में एक बार ज़रूर से विजिट करें, ये एकदम मार्केट प्लेस पे ही है। तो फ्रेंड्स शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर अभिदय और अभिरूप बना रहे हैं, अभिरूप नहीं अभी बना रहे हैं। क्या बना रहा? हम तो बना के पी भी गए। क्या बना रहा है? ओरियो। किसके लिए बना रहे हैं? पापा। इधर दिख, किसके लिए बना रहे हैं? पापा। क्यों? पापा का बर्थडे है। तो फिर क्या कर रहा है? उनके लिए आज शेक बना रहा हूँ, आज नहीं बनाना चाहिए। तो ये शेक बना रहे हैं, क्या क्या डाला है अभी तूने इसमें बताना? क्रीम। क्या क्या डाला है बता? इसके अंदर हमने डाला है ओरियो, ये वाला पैकेट। और दिखाना, बोल तो सही। ओरियो क्रश करके डाले इसके अंदर। ओरियो डाले हैं, अभी क्रश नहीं किया, अभी मिक्सर में पीसेगा। हाँ। और क्या डाले हैं? और चीनी और दूध डाला है। कितने चम्मच डालता है? एक। वन चम्मच डाला है इसने दूध में और ओरियो डाले हैं। अब इसको अब क्या करेंगे? मिक्स। इसका ढक्कन ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। तो ये मिक्सर लेके जा रहा है आज। कल इसके पापा का बर्थडे है तो ये अपने पापा के लिए शेक बना रहा है, ओरियो चॉकलेट शेक। तो ओरियो डाले इसके तीन चार और चीनी। गाइस बन गया है शेक पापा के लिए और अभी हम डालने वाले हैं बड़े से गिलास में, कुछ ज्यादा है। चलो हमने बना के रख दिया है, बन चुका है और मेरे हाथ में है बर्फ। तो मैं अब रखने वाला हूँ बर्फ। अब हम डालने वाले हैं इसको, मैं इसको डालूंगा फ्रिज। तो हेलो गाइस, हमारी ड्रिंक बन चुकी है और अब मैं इसको डालूंगा फ्रिज के अंदर। पापा आएंगे रात को तो मैंने पापा के लिए ड्रिंक बना दी है और मैंने पापा के लिए एक सरप्राइज ड्रिंक बनाई है और पापा जब रात को आएंगे और देखेंगे तो पियेंगे। हम फ्रिज में। तो फ्रेंड 10 बज चुकी है और हम लोगों का डिनर वगैरह भी हो गया है। किचन वगैरह की सफाई भी कर ली है और अब सोने जा रहे हैं। अभी रोज सो गया है, अभी देर सोने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।